हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10th of March और एक नई राइड शुरू हो चुकी है। सो, इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो इसी राइड की प्रिपरेशंस के लिए डाला हुआ था, क्योंकि ये जो राइड है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अभी तक मैंने जितनी भी राइड की है ये सबसे लंबी होने वाली है। सो, ये वही सिमिलर रूट पे जाने वाला हूँ, शिमला वाले रूट पे, लेकिन वहाँ से और आगे जाना है। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत मज़ा आने वाला है एंड वन टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सो, अभी क्या है कि फटाफट प्रिपरेशंस मैंने कर ली है सारी बाइक से रिलेटेड, और पैकिंग वगैरह भी सारा अपना हो चुका है। बट अभी टाइम जो है वो सुबह के 10 बज रहे हैं और हमारा जो प्लान था वो सुबह 6-7 बजे निकल जाने का था, बट हमेशा की तरह जो प्लान बनता है 6-7 बजे निकलने का, वो प्लान हमेशा की तरह फेल भी हो चुका है। और अब हम लोग जो है वो 10 बज रहे हैं और प्लान है अपना 11 बजे तक निकल जाने का। सो, हम लोग नहा धो के बिल्कुल सेट है, अपना सामान भी सारा सेट है। नैमी देखो सामान एडजस्ट कर रही है अपने टॉप बॉक्स में। हेलो गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतना लंबा ट्रिप का। अविनाश ने तो ऑलरेडी किया है इतने दिनों का ट्रिप, बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। लेट्स सी कैसा जाता है ये ट्रिप। तो पहले हम ये सामान लेके जाते थे, एक सैडल बैग, ये दूसरा सैडल बैग, ये टैंक बैग। और अभी क्या है कि मैंने कल एक जाके ये टॉप बॉक्स भी लगवा लिया, क्योंकि सामान की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और अब हम दो लोग जाते हैं तो सामान कम पड़ता है, एंड गर्ल्स का तो यू ऑलरेडी नो कितना सामान होता है। भले बाइक पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, कुछ भी जाएं, सामान इतना होता है कि मतलब तुम लगा लो कि एक बैग और एक बैग का आधा इनका ही सामान है सारा सारा। ठीक है, सैडल ये जो टॉप बॉक्स लगने की वजह से मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, बहुत ही ज्यादा है। एटलीस्ट कपड़े तो रख पा रही हूँ मैं, वरना हर ट्रिप में दो टॉप एक जीन्स लेके मुझे मजबूरी में जाना पड़ता था। बट अभी मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट सैडल बैग के साथ साथ हमारा ये टॉप बॉक्स भी लग गया। सो, ये 42 लीटर्स का टॉप बॉक्स है, अच्छा खासा सामान है इसमें। आप देखो ऐसे मैंने सामान सारा एडजस्ट किया, कैमरे से रिलेटेड चीजें हैं, लैपटॉप है, हर चीज है इसके अंदर। सो, अभी फटाफट राइडिंग गियर्स निकालते हैं, पहनते हैं, नीचे बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं और ट्रिप के लिए निकलते हैं। एक्साइटेड? यस, वेरी एक्साइटेड। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए। सो, आज का प्लान है शिमला जाके रुकने का और कल शिमला से फिर हम लोग आगे निकलेंगे। सो, शिमला यहाँ से 360 किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट, और 8 घंटे का टाइम लगने वाला है। रीज़न इज़ कि बीच में फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, इसके वजह से बॉर्डर का थोड़ा सा जाम है और आगे चंडीगढ़ के आसपास भी थोड़ा सा जाम मिलेगा। सो, इस वजह से यहीं कहीं से है डाइवर्जन अपना आगे जाने के लिए, क्योंकि ये रहा अपना सिंगू बॉर्डर जो बंद है। इधर अंदर से भी कोई रास्ता है बट वो अंदर से रास्ता मुझे एक्चुअली में मालूम नहीं है। ये अपना सिंगू बॉर्डर सीधा सामने है, लेकिन अपने को यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो ये वाला डाइवर्जन है जो पिछली बार भी हमने लिया था जब हम वैष्णो देवी जा रहे थे। सो, अभी फ़िलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं फटाफट। ये देख लो डाइवर्जन लेके अभी हम पहुँचे हैं सिंगू बॉर्डर, पीछे से कुंडली होके। और यहाँ पे आप देख लो लंगर वंगर हर जगह पे चल रहा है लंगर, और आने जाने वालों को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो अपना डाइवर्जन है वो काफ़ी घुमा के है और छोटी छोटी सड़कें हैं पतली पतली, और उसके अंदर इतनी सारी गाड़ियां हैं कि वो गाड़ियां फंस जा रही है वहाँ पे। इट्स 1:31 इन द आफ्टरनून और फाइनली हमें हाईवे मिल चुका है, सारा जो भी जाम था डाइवर्जन था क्रॉस कर चुके हैं, और अब यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा ही है। थोड़ा बहुत डाइवर्जन अभी और मिलेगा मूर्थल तक बिकॉज ऑफ दिस रोड कंस्ट्रक्शन, बट अदर देन दैट रोड बिल्कुल क्लीन मिलने वाला है। भाई साहब ऑलमोस्ट आप लगा लो कि 30 मिनट्स तो वेस्ट हुए ही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड द डाइवर्शन, बट ठीक है, मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो, ये आ गया अपना शिवा ढाबा। मैं हर बार यहाँ पे ही रुकता हूँ, इसलिए यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे रुकता हूँ मैं हर बार, और इस बार फिर मैं यहाँ पे ही आ गया, वहाँ नहीं लगा सकता भाई मेरे। यहाँ लगा दूँ तो हमने ये खाना ऑर्डर किया है, बटर नान, दाल मखनी एंड प्याज भी है यहाँ पे, प्याज
तो फटाफट यहाँ से खाते हैं और फिर निकलते हैं। सामने देखो कैमल है, पहले यहाँ पे नहीं रहता था कैमल, लेकिन अब रखने लगे हैं लोग, इस पे आके बैठ के घूमते भी हैं। बच्चे खास करके यहाँ पे आके जिद मचाते होंगे कैमल पे बैठने के लिए, तो इनका सही जुगाड़ है। तो इट्स अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून एंड अभी हमारा लंच हो गया है, अच्छा खासा आधे घंटे का ब्रेक हो गया था और अब यहाँ से फटाफट निकलेंगे। ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। फटाफट अब भागते, थोड़ा सा खींच के चलना पड़ेगा बट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सो इट्स 3:30 एंड वी आर क्रॉसिंग पानीपत राइट नाउ। यहाँ टोल प्लाजा भी इन्होंने जाम कर रखा है, ये देखो लंगर चालू है। मैं कुछ टाइम पहले आया था तब भी यहाँ पे लंगर चालू था और अभी भी लंगर चालू है। हम लोग अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं और मैंने अपने पहले के ब्लॉग्स में बताया है कि अगर शिमला जाना है या चंडीगढ़ जाना है तो ये वाला रास्ता लेना है और सीधा आपको लुधियाना वगैरह जाने के लिए मिलेगा रास्ता। तो अब मैंने ये लेफ्ट ले लिया है शिमला वाला, ये देखो शिमला चंडीगढ़ पटियाला लुधियाना, पटियाला लुधियाना वगैरह सीधा जाता है। ये जो रोड है सीधा ये पटियाला निकल जाता है एंड शिमला के लिए फ्लाईओवर से नीचे जाके राइट लेना है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। फाइनली लाइट खुल गई है, तो ये हमने राइट ले लिया है और ये सीधा 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 शिमला। ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है, अंधेरा होना शुरू हो चुका है और हिल राइडिंग जो है अंधेरे में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो हिल राइडिंग है वो कर रहा हूँ रात में, अदरवाइज वैष्णो देवी गया था वहाँ पे बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो हिल राइडिंग है, इसलिए वहाँ पे कर लिया था मैंने, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे कि आज का है, आज निकलने में इतना लेट कर दिया कि भाई पहुँचने में लेट हो गया, बट कल का जो डेस्टिनेशन है अपना वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे रात में ड्राइव नहीं कर सकते, रात में राइड नहीं कर सकते, क्योंकि रोड्स वहाँ के रिस्की हैं, एडवेंचरस है थोड़े बहुत, इसलिए कल जो है सुबह सुबह 8 बजे निकल के अपने वो डेस्टिनेशन के लिए निकल जाऊँगा फॉर श्योर। और शिमला का जो रूट है वो मैंने पहले कर रखा है 2-3 बार और फैमिलियर हूँ रूट से, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं एग्री हो गया रात के लिए। अदरवाइज़ अगर ये न्यू डेस्टिनेशन होता, रोड्स का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, तो मैं कभी नहीं एग्री करता, फिर मैं कल के लिए टाल देता इसको। सो ये हम लोग हिमाचल एंटर कर रहे हैं ऑफिशियली, इसके बाद हिमाचल का ही है पूरा पार्ट और यहाँ से प्रॉपर वाली हिल क्लाइंब अभी शुरू हो चुकी है यहाँ से, अब मज़ा आने वाला है। इसी की वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। अब मैंने थर्मल लाइनर वगैरह कुछ लगा नहीं रखा, तो अब आगे जाके शायद थर्मल लाइनर लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये यहाँ का टोल प्लाजा है और यहाँ पे बाइक्स के लिए कुछ नहीं लगता, कार्स के लिए लगता है। ये आखिरी टोल प्लाजा है, इसके बाद कोई भी टोल प्लाजा नहीं है।
देखो कितना सुंदर पेंटिंग बना हुआ है पहाड़ों पे, ये स्टेयर्स जैसे कटे हुए हैं और पेंटिंग बना हुआ है भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आई डोंट नो कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है बट अमेजिंग। वैगी खा के निकल पड़े हैं, चाय वाय पी लिया है और अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरे में कितना दिख रहा होगा। एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे तो लगेंगे जाने के लिए शिमला तक, और ठंड लग रही है अब थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अंधेरा हो चुका है प्रॉपरली बिल्कुल, और हम पहाड़ों में आ चुके हैं। अच्छा खासा एक 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, 25-30 मिनट का, बट चलो ठीक है, भूख लगी थी तो ब्रेक तो बनता ही है इतना। अभी फटाफट पहुंचते हैं, कोई होटल ढूंढते हैं। वर्स्ट पार्ट इज़ की होटल हमने बुक नहीं कर रखा, अभी जाके ढूंढना है होटल, ये सबसे बड़ा दिमाग का दही है। क्योंकि अगर होटल बुक रहता है पहले से तो पता रहता है कि चलो वहाँ पे जाना है, जाकर डायरेक्टली चेक इन करो, रेस्ट करो। अब भैया कि ढूंढो पहले, फिर बुक करो, फिर जाके चेक इन होगा, तो 2-3 होटल्स देखने पड़ेंगे अभी जाके। इस रोड में ना पिछले 2-3 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। रोड बना नहीं है लेकिन टोल प्लाजा पहले बन गया, देख लो। मुझे लगता है रोड बनाने से पहले चालू भी कर देंगे इसको। तो अगर आपको कसौली जाना है तो कसौली जाने के लिए रास्ता यहाँ से कटता है, ये आगे से कटता है। एंड दिस ज्ञानी का ढाबा इज़ अमेजिंग, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो, बहुत अच्छा खाना मिलता है। एंड यहाँ से ही रास्ता कटता है कसौली के लिए, ये वाला रास्ता है ना अंदर जो जा रहा है, ये कसौली जाता है सीधा। ओके, सो शिमला यहाँ से 31 किलोमीटर्स है और चहल यहाँ से 29 किलोमीटर्स है, और आगे से चहल का रास्ता कटता है राइट की तरफ, और जो सीधा रास्ता है वो शिमला निकल जाता है डायरेक्टली। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, इसके वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा कट गया है, 20-25 के ऊपर जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये राइट, ये चहल चला जाता है, और ये रास्ता अपना शिमला वाला है, सीधा शिमला निकलता है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सुबह अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, होटल ले लिया, होटल का नाम है होटल सत्यम पैराडाइज, और ये 1600 रुपये का रूम मिला है, आप देख सकते हो, प्रेटी डिसेंट रूम फॉर 1600। और ये देखो एक अलग प्राणी भी यहाँ पे सोया हुआ है। क्या हुआ भाई साहब, बहुत ठंड लग रही है। ठंड समझ ही नहीं आ रही मेरे को, इतनी तेज क्यों ठंडी लगने लगी अचानक से। ठंड लगती ही बागा बन जाती है। तो अभी फिलहाल प्लान ये है कि फटाफट जो फुटेज वगैरह है सारा लैपटॉप में ट्रांसफर करके खाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है 8 बजे एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।